Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Okay जी, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ Philips टाई केयर एडवांस की तरफ से नेचुरली स्ट्रेट हेयर इन 5 मिनट्स विद कैरा शाइन प्रोटेक्शन हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम का रिव्यू करने वाली हूँ. एज यू कैन सी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये आउटर बॉक्स है इसका, और आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को इसके बारे में सब चीजें पता होगी, बट यही मैं ही थी एक ऐसा दुनिया में आखिरी बंदा रह गया था जिसको नहीं पता था वो. और इससे पहले ना मैंने ढेरों हेयर अप्लायंसेज का रिव्यू किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो वायरल हो जाते बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं, जिनकी हाइप रहती है, फॉर एग्जाम्पल एलन ट्रूमन का ब्लू ब्रश, अगारो का हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम जो बहुत ही ज्यादा, जिसके अफोर्डेबल वायरल ड्यूब्स, लाइक अफोर्डेबल ड्यूब्स भी आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाते, उनका भी मैंने रिव्यू किया, लाइक कंपैरिजन वीडियो शेयर किया कि लाइक एक साइड पे 550 अफोर्डेबल जो मेरे को अमेजोन के ऊपर मिला था, और जो ओरिजिनल अगारो का हेयर स्ट्रेटनर कॉम है उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है आप लोगों के साथ. अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना इस वीडियो के बाद. ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इस फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम के बारे में. ये सिल्क प्रो केयर के साथ आपको मिलता है और नेचुरली स्ट्रेट हेयर इन 5 मिनट्स ये क्लेम करते हैं. अब हम चेक करेंगे कि 5 मिनट में ये बालों को स्ट्रेट करता है या नहीं करता. ओके, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी इस अगारो के हेयर कॉम्ब के बारे में भी, जिसके बारे में आई नो आप लोग बहुत ज्यादा होगी आप लोगों को क्यूरियोसिटी, और आई वुड से कि कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरेटिवली कौन सा ज्यादा अच्छा है और कौन सा हमें परचेज करना चाहिए. दोनों ही महंगे हैं अकॉर्डिंग टू मी, कोई सस्ता नहीं है. लाइक ये कुछ 2800 रुपीज का मुझे मिला था एंड दिस वाज अराउंड 3200 रुपीज. ठीक है, दोनों ही लाइक 3000 के करीब करीब आपको मिल जाते हैं. एक चीज और बताते चलूं कि मैंने दोनों को ही लाइक ऑब्वियसली उसको तो मैं बहुत टाइम से यूज कर ही रही हूँ, इसको भी मैंने 3-4 बार ऑफ कैमरा, एक बार तो मैंने वीडियो बनाई उसका कुछ झोल हो गया, वीडियो को भी मैं एडिट करके डाल नहीं पाई, तो इसको तो मैं कितनी इसको भी 4-5 बार मतलब मैं यूज कर चुकी हूँ. तो आई नो कि इतना लॉन्जिविटी मिलता है इन सब चीजों में, और दोनों का भी मैं कंपैरिजन आप लोगों को करके बताने वाली हूँ. जी, प्लग इन कर लिया है मैंने, यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक होनी शुरू हो गई है, विच मीन्स कि ये स्टार्ट हो चुका है. सो अभी इसको मैं थोड़ा सा रखती हूँ जब तक ये थोड़ा गर्म हो जाए, तो मैं फटाफट से अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ, बिकॉज लिटरली मैंने बालों को वॉश किया था सुबह और कॉम नहीं किया है. सो आप देख सकते हैं दिस इज माई लाइक नेचुरल टेक्स्चर बालों का, ऐसे मेरे बालों का टेक्स्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, वेवी सा है टेक्स्चर है, बहुत कर्ली भी नहीं है. इंस्टेंटली जब वॉश करते हो तो कई बार बहुत कर्ली हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा टेक्स्चर लग रहा है मेरे बालों का, वेवी सा टेक्स्चर है. ओके, हल्की हल्की सी ना स्मेल आनी शुरू हो गई है, मतलब कि ये गर्म हो चुका है, इसी के बीच में से स्मेल आ रही है और हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है. आई नो कैमरा मेरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, बट थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा है. सो ये नॉर्मल है. अभी हम बालों को लेंगे एंड इस ब्लो ब्रश के साथ, स्ट्रेटनिंग ब्रश के साथ हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे. सिंस दिस इज नॉट माई फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसको क्योंकि मैंने इतने बार यूज कर लिया है. सो एक चीज तो ये है कि इसके साथ उतने ही उतने ही सेक्शंस बालों के लेना जितने आप इसमें होल्ड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत फाइन हेयर है, बहुत पतले हैं, तो थोड़े ज्यादा भी ले सकते हो. अगर आपको लगता है आपके बाल थोड़े थिक है और फिर आप थोड़े थोड़े पतले पतले सेक्शन लेके करना, ठीक है. इसके साथ नो डाउट इट्स वेरी इजी टू यूज, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जैसे आप ब्रश करते हो वैसे करते करते आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं. लाइक जो टिपिकल स्ट्रेटनर रहता है उसके साथ एक एक इंच बालों को लेके ऐसे ऐसे बहुत जोर से जोर लगाना पड़ता है, उसके साथ स्ट्रेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है टू बी ऑनेस्ट कंपेरेटिव टू दिस वन, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक यू आर कॉम्बिंग योर हेयर एंड योर हेयर आर गेटिंग स्ट्रेट, तो दैट इज दैट. बट यस, बाल उतने ही लेना जितने आपको पता है कि आपके बालों के अकॉर्डिंगली ये वर्क कर जाए. थोड़ी सी हीट तो है इसमें से, लेकिन गलती से अगर आपका हाथ इधर लग जाता है, जो कि यहां पे जो ये ब्लैक वाले ब्रिसल्स है ना, सी ये जो ब्रिसल्स है ना, अभी इसमें से धुआं भी निकल रहा है. इफ माई कैमरा वुड एबल टू कैच दिस स्मोक,
ठीक है, धुआं भी निकल रहा है। और अच्छा इसकी मैं बात कर रही थी, ये वाले जो ब्लैक वाले ब्रिसल्स है ना, इनको यू कैन टच, बट जो पर्पल वाले हैं ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है, तो अगर गलती से इतना सा हाथ लग भी जाता है तो आपका हाथ जलेगा नहीं, थोड़ी सी हीट तो डेफिनेटली आपको फील होगी लेकिन हाथ आपका नहीं जलता है। बट यस, टिपिकल स्ट्रेटनर के कंपैरेटिवली दिस इज वे मोर इजी। अभी देखो मैंने सारे बाल मैंने कर लिए, अभी मैं सारे बाल इकट्ठे करने वाली हूँ। ओके जी, 7 मिनट लगे हैं मुझे, मतलब मैंने टाइम देखा था 4:50 पे मैं शुरू हुई थी इस साइड पे एंड अभी 4:57 हो चुके हैं इस टाइम पे। सी 4:57 हो चुके हैं और मेरी एक साइड मैंने कंप्लीट कर ली है, तो 7 मिनट लगे मुझे एक साइड पे बालों को यू नो स्ट्रेट करने में, विच इज नॉट दैट बैड बिकॉज इतना ईजी है। ली वाला स्ट्रेट करना है ना अपने बालों को, तो मैं ये बोलूंगी कि 5 मिनट तो नहीं लगने वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बाल आपके कुछ इस कंडीशन के हो जाएंगे। ठीक है जी, सो यू कैन सी दिस इज माई नेचुरल टेक्सचर ऑफ हेयर एंड दिस इज माई लाइक आफ्टर फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एंड दिस इज वेरी इजी टू यूज, वेरी वेरी इजी टू यूज, वेरी कन्वीनियंट टू यूज, आपके बाल हाथ नहीं जलते हैं। ठीक है, आप फटाफट से इसको लाइक दिस इज लाइक ऐसा चीज, ऐसी हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम्ब, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, फॉर दैट मैटर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता भाई, आप मेरे जैसे होम मेकर हो, आप एक मदर हो, आपके पास खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट में आपके बालों को भी करना है, मेकअप भी करना है, सो उस केस में आई थिंक दिस इज परफेक्ट। व्हाट आई एम गोना डू नाउ कि मैं इसको तो मैंने आपको यूज करके दिखा दिया, अब मैं ना इस साइड पे आपको ये वाला अगारो का हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश यूज करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको अगर आपका भी वही कॉमेंट आया है, अगर आप वो हो जिन्होंने ये कमेंट किया था कि आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं फिलिप्स का लूं या अगारो का लूं, तो मे बी दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ये भी स्टार्ट हो चुका है जो हमारा अगारो वाला है, इसको मैं, इसमें भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, और चलिए ये कुछ इस तरह का आता है, लुक एट दिस अगर आप पहली बार देख रहे हो। अच्छा, इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कि इसके साथ आप डायरेक्टली सारे बालों को कॉम्ब नहीं कर सकते हो, इसके साथ थोड़ा सा इजी रहता है बिकॉज इसका जो पेडल ब्रश का जो ये यू नो डिजाइन है ये काफी कन्वीनियंट है, बिकॉज हमारा जो यूजुअल ब्रश भी होता है मोस्टली हम ऐसा यूज करते हैं, सो इस तरह की शेप के ब्रशेज हम यूज करते हैं जो कि एक पेडल ब्रश की शेप के रहते हैं, जिनको यूज करना मोर कन्वीनियंट रहता है कंपेरेटिव टू दिस स्टाइल ऑफ कॉम्ब। ठीक है, बट हाँ ये नहीं कि ये मुश्किल है, बट थोड़ा सा इजी ये वाला है फिलिप्स वाला। ओके जी, इसको कुछ 1-2 मिनट लगते हैं गर्म होके यू नो थोड़ा सा वार्म होने में, तो जब तक आप अपना लिपस्टिक लगाओ ना तब तक आप इसको ऑन करके रख लो ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए इंस्टेंटली, मतलब गर्म नहीं होता ये। ओके जी, मैंने फिनिश कर लिए हैं दोनों ही साइड्स को एंड यू कैन सी काफी अच्छे से इसने भी मेरे बालों को स्ट्रेट कर दिया है एंड लाइक बोथ साइड्स आर लुकिंग वेरी सिमिलर। ओके, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, अगर आपके बाल बहुत मोटे हैं लाइक थिक है, आपके फाइन हेयर है, आपके बाल छोटे हैं लंबे हैं, तो कौन सा प्रेफरेबली ज्यादा आपको मतलब यूजफुल रहेगा, तो आई वुड से फिलिप्स वाला। फिलिप्स वाला इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स शेप, लेट मी शो यू, ये जो पैडल ब्रश वाला जो इसका शेप है ना, ये काफी काफी इजी टू यूज है कंपैरेटिव टू दिस अगारो का हेयर स्ट्रेटनर। लुक एट दिस, इसको आप ऐसे करके बहुत, अगर आप कम यू नो बाल लोगे तब ही आप इसके साथ कॉम्ब कर सकते हो, अगर मैं ज्यादा बालों में इसको कॉम्ब करूंगी तो उतने अच्छे से ये कॉम्ब नहीं चलती है, इतनी इजिली नहीं चलता है जितना ये पैडल ब्रश वाली शेप चल जाती है। ठीक,
ज्यादा इजी टू यूज है ये पैडल ब्रश वाली शेप किसी भी बालों के टेक्सचर के लिए, किसी भी हेयर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा इजीली हम नॉर्मल ब्रशेस वगैरह यूज करते हैं तो ये ज्यादा वाला यूजफुल रहता है। इसकी बात करी जाए तो ये भी इतना मुश्किल नहीं रहता है लेकिन उसके साथ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब कि किसके साथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलता है, किसके साथ ज्यादा लंबे समय तक आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं, तो इसका जवाब आपके बालों के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों की जो लॉन्जिविटी टाइम है ना, अगर मैं इससे करूँ या उससे करूँ, तो दोनों ही सिमिलरली ही स्टे करते हैं जब तक मेरे बालों को पानी ना लग जाए। ऑफ कोर्स जब हमारे बाल थोड़े से गीले हो जाते तो हमारे पुराने जो उसका असली टेक्सचर उसमें वापस आ जाते हैं। तो दोनों ही जो है दोनों की लॉन्जिविटी सिमिलर ही रहती है, बाकी आपके बालों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपके वर्जिन हेयर है, लाइक पहली बार स्ट्रेट कर रहे हो, तो आपके बाल लंबे समय तक स्ट्रेट नहीं रहते हैं। अगर आपके बाल यूज टू हो जाते हैं स्ट्रेटनर के, तो कंपेरेटिव टू योर फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी लास्ट वेरी लॉन्गर टाइम। माई ओपिनियन, आई वुड से ये वाला जो है इजी टू यूज है, थोड़ा सा अफोर्डेबल है कंपेरेटिव टू दिस, बिकॉज ये फिर भी 3000 से ऊपर का ही आपको मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट, ये 3000 का मिल जाएगा। आई डोंट नो, मैंने डिस्काउंट वैसे लंबे टाइम से देखा नहीं है इसके ऊपर, ये 3200 के अराउंड ही आपको मिलता है। और ये वाला जो है समटाइम्स आपको सेल के ऊपर 2500 का भी मिल जाता है, 26 का, 27, 28, लाइक दिस इज लाइक अंडर 3000 एंड दिस इज लाइक अबव 3000। सो मैं यही बोलूंगी आप डेफिनेटली ये वाला ही परचेज करो, फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम फिलिप्स, आई विश ये होता स्पॉन्सर, बट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूं कुछ दिनों से। सो मुझे ये आई एम लाइक रीचिंग टुवर्ड्स दिस फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर कंपेरेटिव टू अगारो वन, क्यों थोड़ा सा कम इजी टू यूज है, थोड़ा सा कम बुरा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये बुरा है, ठीक है, इसके साथ भी बाल आपके स्ट्रेट हो जाते हैं, दिस इज ऑफकोर्स बहुत है अच्छा, इजी टू यूज, बट दिस वन इज लाइक वे 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 मोर यूजफुल एंड वे मोर इजी टू यूज देन दिस, ठीक है। तो यस, ये लॉन्जिविटी की बात की जाए तो कंपेरेटिव टू दिस अगारो ये सिमिलरली ही आपके बालों को स्ट्रेट करता है, सिमिलरली आपके बाल उतना टाइम तक स्ट्रेट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों ही बहुत ही इजीली आप यूज कर सकते हो, मेरा ये फेवरेट हो गया है। एक और चीज बताती हूँ, आई डोंट नो ये आपको कितना अच्छा साउंड करेगा या नहीं करेगा, इसके साथ ना ये वाले के साथ आप उल्टा भी अगर ऐसे कॉम करते हो ना, क्या है कि आप ना अगर आप इसको ऐसे भी यूज करते हो ना, ऐसे उल्टा करके यूज करते हो, तो आपको काफी इजी रहता है, लाइक आप पूरे बालों को भी लेके इनवर्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो बेसिकली, लाइक सो सी। इसके साथ ज्यादा शाइन आपको मिलती है बालों में, इसके साथ उतना शाइन आपको बालों में नहीं मिलती है, और इसको आप अपने पूरे बालों में नहीं चला सकते हो, दिस इज नॉट वेरी यूजफुल। सी, इसमें बाल, क्योंकि इसका जो शेप है ना, इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से बना हुआ है कि इसमें सारे बाल आपके नहीं आते हैं, जबकि इसमें आपके पूरे बाल अगर आप ऐसे कॉम करते हो तो आ जाते हैं। सी, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। इसके साथ एक और चीज है कि आप अपने बालों को, अगर आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा बाउंस आए आपके बालों में, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने बालों को लीजिए, प्रॉपर ऐसे उल्टा कर लीजिए बालों को, एंड फिर ऐसे करके कॉम कीजिए, ऐसे आप अपने बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर सकते हो पीछे की तरफ से भी, बिकॉज कई बार हम जब खुद करते हैं तो पीछे की तरफ से इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। सी, इस तरह से बालों में ना एक बहुत अच्छा बाउंस आता है, बाल आपके और भी ज्यादा शाइनी दिखते हैं, बहुत एक नीट फिनिश आपको मिलती है इसके साथ बालों में। सी, लाइक अगर आपको बहुत ऐसे पोकर स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए आपके बालों में, आपको चाहिए कि आप एवरीडे स्ट्रेट भी, मतलब मैनेजेबल बाल चाहिए, बहुत स्ट्रेट टेक्सचर में मैनेजेबल बाउंसी हेयर चाहिए, तो आप इस तरह से भी इनको स्टाइल कर सकते हो, लाइक उल्टा करके इस तरह से, क्योंकि इसका पैडल वाला शेप जो है ना, इसमें आपके बाल बहुत ईजिली सारे बाल आ जाते हैं एंड काफी अच्छे से स्ट्रेट कर सकते हो। इसमें आप इतने अच्छे से स्ट्रेट नहीं कर सकते हो पूरे बालों को लेके, सिंगल बालों को लेके, लाइक थोड़े थोड़े सेक्शन लेके तो ऑफ कोर्स इसके साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके साथ यू कांट डू दैट।
सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा आज का मेरा ये वीडियो. और अगर आप लोगों को कोई भी और भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है और कोई सजेशन देना है तो आप मेरे को कॉमेंट डाउन करके बता सकते हो. आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, हम वहाँ भी बात करेंगे, ठीक है, लाइव टॉक कर सकते हैं कॉमेंट्स में हम. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.